मंथली एक्सपायरी वाले इस हफ्ते में बाजार में लगातार तेजी बनी रही। अप्रैल सीरीज के बाद अब मई सीरीज की शुरुआत हो गई है। हालांकि अमेरिका से कमजोर जीडीपी के नंबर आए, लेकिन इसके बावजूद बाजार में तेजी बनी रही। तो चलिए मार्केट रैप में जान लेते हैं बीते हफ्ते कौन से ट्रिगर्स रहे एक्टिव और अगले हफ्ते आपको कहाँ रखनी है नजर। बीते हफ्ते चौथी तिमाही के नतीजे ही हाईलाइट में रहे। अमेरिका से जीडीपी के नंबर आए जो कि नेगेटिव संकेत लेकर आए अपने साथ। Q1 के लिए जीडीपी ग्रोथ 1.6% पर रही जो कि 2.4% के अनुमान के सामने काफी कमजोर है। इंडेक्सेस भी गिरे। इसके बाद यूएस में नतीजों के बाद टेक शेयरों में भी गिरावट आई थी, जिसका मेन शिकार मेटा और IBM हुए। घरेलू बाजारों में एक्सिस बैंक का रिजल्ट लाइमलाइट में रहा। कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिए हैं, डिविडेंड दिया है और साथ ही स्टॉक ने ऑल टाइम हाई भी छुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, वेदांता, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस जैसी कई बड़ी कंपनीज के नतीजे आए और मोस्टली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। अब आते हैं कुछ खास ट्रिगर्स गोल्ड, क्रूड और बॉन्ड यील्ड पर। गोल्ड इस हफ्ते लगातार वोलेटाइल बना हुआ है। रिकॉर्ड हाई से नीचे गिर चुका गोल्ड $2300 के ऊपर चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में तीन हफ्ते के निचले लेवल से रिकवरी आई है। कमजोर जीडीपी आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड 5 महीनों के हाई 4.7% पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे दो हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कच्चा तेल $89 के रेंज में चल रहा है। अब आउटलुक क्या रहेगा अगले हफ्ते का? घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आएंगे जिसमें जीएसटी कलेक्शन के नंबर होंगे, ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे, साथ में रिजल्ट्स पर अभी भी नजर रहेगी। अगले हफ्ते ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, L&T फाइनेंस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और कोल इंडिया सहित ढेरों बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। मेन ट्रिगर्स क्रूड, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड और डॉलर इंडेक्स तो रहेंगे ही, इन पर रखेंगे नजर। आज के लिए इतना ही। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के लिए देखते रहें ZBusiness।